हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप कम बजट में एक सस्ती और अच्छी प्रॉपर्टी की तलाश में हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सिटी प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स आपके लिए लेके आए हैं एक अच्छे लोकेशन पे न्यू मुंबई में ओपन प्लॉट, जिसमें आपको 2 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक का प्लॉट दिया जा रहा है, जहाँ पे न्यू मुंबई का जो एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करीब में है, द्रोणागिरी स्टेशन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करीब में है, नावा शेवा स्टेशन काफ़ी ज़्यादा करीब में है, और बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट आ रहे हैं, जैसे रंजनपाड़ा स्टेशन के पास में जो है प्रॉपर्टीज़ है और प्लॉट है। यहाँ पे यहीं पे जो है न्यू मुंबई का सबसे बड़ा आईटी हब बन रहा है, जो कि हम आपको वीडियो में दिखाएंगे और स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो है आईटी हब कैसा किस तरह का दिख रहा है और कहाँ पे एलोकेटेड है। और रंजनपाड़ा स्टेशन के जस्ट बैक साइड में सिडको खुद जो है वहाँ पे ज़मीन जो है लैंड डेवलप कर रहा है, इसका भी एडवांटेज आपको आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है फ्रेंड्स। और इसमें एक चीज़ हम आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं, यहाँ एयरपोर्ट के पास में एक उल्वे सिटी है, जो कि पहले उल्वे गाँव कहा जाता था, वो गांव का एरिया था। वहां पे जैसे आज हम ये जमीन दिखा रहे हैं, ये जमीन की जो कीमत से लेके 7 लाख वाइज जो है तो पर गुंठा का रेट है, इसी तरह से उल्वे सिटी के पास जो है उल्वे जो गांव कहा जाता था पहले, वहां का रेट चलता था 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए पर गुंठा का रेट था। लोग कहते थे कि यहाँ पे सामने ही एयरपोर्ट आने वाला है, आने वाले लोकेशन पे जो है तो चिरले जंक्शन आने वाला है, सी लिंक ब्रिज बनने वाला है, तो लोगों को बिलीव नहीं होता था। बट जिसको बिलीव हुआ उन्होंने खरीदा, वहाँ पे ज़मीनें खरीदी, आज के टाइम में उल्वे सिटी वहाँ पे जो पहले जो उल्वे गांव था वो आज उल्वे सिटी है। उल्वे सिटी के ठीक अपोजिट में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे ही इंडिया का, अगर आप कहिए तो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। 3 सेगमेंट में उसको बनाया जा रहा है, कार्गो, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ये जो एयरपोर्ट बन के तैयार हो रहा है, इसका पहला फेज़ जो है 2025 में है कम्प्लीट हो रहा है कार्गो का। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताने का हमें ये सारी चीज़ों का रीज़न ये था कि यहाँ पे जो है जो प्लॉट हम दिखा रहे हैं आने वाले टाइम में इसका भी फ्यूचर यही है जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे अच्छी बात ये है कि कम बजट में अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। इसमें आपको पैसे जो है स्टार्टिंग में जो पे करने हैं, बुकिंग अमाउंट सिर्फ 11,000 रुपये पे करना है, ओनली 11,000 रुपये पे करके ही आपका जो है प्लॉट आपका हो जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम जो पेमेंट करना है उसका 80% अमाउंट का पे करना है, जब 7/12 का पेपर जो है उस आपके नाम पर आ जाएगा 7/12, उस टाइम आपको पे करना है फाइनल पेमेंट। तो इससे अच्छी कोई सहूलत नहीं मिलेगी कि 11,000 रुपए देके आप अमाउंट से बुक करिए प्लॉट को, 80% का अमाउंट आप दीजिए रजिस्ट्रेशन के टाइम में और बाकी का जो अमाउंट रहेगा आप 7/12 आपके नाम पे ट्रांसफर होने के बाद दीजिएगा। इससे अच्छी प्रॉपर्टीज आपको, इससे अच्छी सहूलत आपको कोई नहीं दे सकता। सिटी प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स जो है आपके लिए खास करके लेके आए हैं ये जो है स्कीम। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विट प्लेटफॉर्म और हम आपको लेकर चले दिखाने ये कंप्लीट वीडियो। फ्रेंड्स, आप इमेजिन कीजिए एग्जैक्टली ये क्या है। आप ये देख रहे हैं जो टेबल पे सजा हुआ ये जो पेपर है, ये जो फाइल्स हैं आप देखिए इसको, ये जो है सिटी प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन किए हुए सारे पेपर हैं कस्टमर्स के, जो कि न्यू मुंबई में जो प्लॉट्स बिक रहे हैं एयरपोर्ट के पास में, चिरले जंक्शन के पास में, रंजनपाड़ा स्टेशन के पास में, ये उन्हीं सारे प्लॉट्स के पेपर्स हैं जो क्लाइंट के हैं, जो कॉपीज हैं ये जो उनको दिया गया है कस्टमर्स को। और इसमें 7/12 कहाँ है, इसका जो है एनए का पेपर क्या है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं, किस तरह की पूरी फाइल है, किस तरह से कस्टमर्स को क्या दिया जा रहा है। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं ये पूरी फाइल सजी हुई है, इसके बाद में पूरा एक बंडल रखा हुआ है रजिस्ट्रेशन पेपर का। तो अभी हम आपको एक दिखा रहे हैं इसमें से एक पेपर निकाल के कस्टमर को क्या क्या दिया जा रहा है। इसमें 7/12 का पेपर हम आपको दिखाते हैं, आपको एनए का पेपर दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो स्किप ज़रा भी नहीं कीजिएगा आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें टेबल पे किस तरह से ये पेपर सजाए गए हैं, आप देखिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जो पेपर है ये सूची क्रमांक 2 जो लिखा हुआ है, एग्जैक्टली जो इंडेक्स 2 है, इसमें देखिए बायर और सेलर्स की पूरी डिटेल होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है ये बायर की डिटेल है और ये जो है ये ये जो है ये सेलर की डिटेल है और ये जो बायर की डिटेल है। देखिए ये हो गया इंडेक्स 2 का पेपर। इसके बाद जो है ये देखिए जो एनए का जो पेपर होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा दे रहे हैं जूम करके। इसके बाद जो है आप और आगे जो पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं, देखिए इसमें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ओल्ड 7/12 है, जो सेलर के नाम थे उसमें से सेलर के नाम यहाँ पे देख रहे हैं ये कट किए हुए हैं, आप देख रहे हैं इस पे सब पे इस पे कट का मार्किंग लगा हुआ है, ये 7/12 का पेपर है। इसके बाद जो है हम आपको दूसरा 7/12 जो न्यू 7/12 जिसपे नए क्लाइंट का जो नाम चढ़ा हुआ है आपको वो भी दिखा देते हैं।
अब आप देख रहे हैं ये जो है ये न्यू सात बारह है। न्यू सात बारह पे जो है जो नए जो बायर हैं उनका जो नाम चढ़ा हुआ है, देख रहे हैं सारी लिस्ट, आप देख रहे हैं सारे नाम हैं यहाँ पे ये नए सात बारह के, जो कि आप ऑफिस में आएंगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल पूरी प्रॉपर तरीके से दिखा दी जाएगी इस फाइल की। फ्रेंड्स देखिए ये जो पेपर आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है सर्च रिपोर्ट। इसमें जैसे अगर कोई भी प्लॉट आप खरीदने आए हुए हैं तो इसमें जो है सेलर इसके पहले ही इसको इसकी सारी सर्च रिपोर्ट, इसके बाद में देखिए ये सर्च टाइटल रिपोर्ट और पेपर नोटिस, ये कम्प्लीटली यहाँ पे पेपर दिखाते हैं, ये जाहिरात नोटिस ये लिखा हुआ है जाहिरात नोटिस, तो इसमें ये सारी चीज़ें ये कंप्लीट करके रखते हैं ये, इसमें जो है किसी तरह की ताकि आपको आने वाले टाइम में परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, आपको इनका ऑफिस दिखाते हैं, इसके बाद में हम लेके चलते हैं आपको प्लॉट की तरफ, लोकेशन प्लॉट सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे आने वाला क्या एडवांटेज है वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो बने रहिए, वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं सामने उल्वे सिटी नज़र आ रहा है आपको, ये उल्वे सिटी एक वक्त यहाँ पे ये उल्वे गांव कहा जाता था जबकि कुछ भी यहाँ पे नहीं था और कोई डेवलपमेंट नहीं आया था सिडको का, और प्रेजेंट टाइम देखिए ये है उल्वे सिटी और इसके जस्ट अपोजिट में आप देख रहे हैं ये जो है सामने एयरपोर्ट है, हाईवे के जस्ट सामने जो है ये है एयरपोर्ट जो पहाड़ी कटिंग करके इसका काम चल रहा है और तकरीबन इसमें रनवे का काम भी हो चुका है। इसमें इन लोगों ने कमेंट किया है 2025 में जो है कार्गो का स्टार्टिंग करके दे देंगे कार्गो सेगमेंट, उसके बाद बाकी का और काम चलता रहेगा जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल काम बाकी है। ये देख रहे हैं हाईवे के एक साइड में उल्वे सिटी है, दूसरी साइड में जो है एयरपोर्ट है, और अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं आगे का लोकेशन, वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये देखिए उल्वे से जस्ट अब ज़रा सा आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है गवान फाटा का एरिया, यहाँ से भी देखिए आपको सामने अपोजिट में नज़र आ रहा है एयरपोर्ट, ये सारा एयरपोर्ट का काम चल रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ये सारी चीज़ें दिखाने का रास्ते में रुक रहे हैं हमें, आपको सिर्फ मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट कैसा है, यहाँ पे डेवलपमेंट कितना हो रहा है, आने वाले टाइम फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी का जो है वैल्यू क्या होने वाली है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं ये हम आ गए एयरपोर्ट के पास में और बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट, जिसमें देखिए सामने बहुत सारी क्रेन्स लगी हुई हैं और यहाँ पे सब काम चल रहा है एयरपोर्ट का, और अभी हम थोड़ी देर में आपको लेके चलेंगे अंदर के साइड, आपको वहाँ से भी दिखा देंगे कि अंदर में रनवे का काम कितना शुरू हुआ है, रनवे का काम कहाँ तक पहुँचा हुआ है, और इन्होंने कमेंट किया हुआ है 2025 तक जो है कार्गो का जो सेगमेंट है वो स्टार्ट करके देंगे। अभी देखिए ये अंदर का एरिया दिख रहा है आपको, ये अंदर जो है रनवे का काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी फास्ट पैमाने पे ये काम चल रहा है रनवे का, आप देख रहे हैं। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं चिरले जंक्शन। फ्रेंड्स देखिए आपको ये जो नज़र आ रहा है सामने ब्रिज जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये ब्रिज जो है ये चिरले जंक्शन का एरिया है, ये चिरले जंक्शन जो है ये एग्जैक्टली जो है सिवड़ी नवाशेवा सी लिंक रोड जो है जो ब्रिज बन के आ रहा है 22 किलोमीटर का, ये यहाँ पे लैंड कर रहा है, यही जो है एक चिरले जंक्शन बन रहा है जो कि यहाँ से जो ये प्रॉपर्टी हम आपको ज़मीन दिखाने वाले हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा करीब में है, और रांझनपाड़ा स्टेशन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रांझनपाड़ा स्टेशन है। आने वाले टाइम में जब यहाँ पर कम्प्लीट काम हो जाएगा तो इसका प्रोग्रेस देखेंगे आप, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी काफ़ी ज़्यादा हाइक करेगी। अभी हम चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं चिरले के बाद जो है रांझनपाड़ा स्टेशन। फ्रेंड्स ये देखिए ये है रांझनपाड़ा स्टेशन का गेट, आप देख रहे हैं इसके पहले अगर आपने हमारी कोई वीडियो देखी होगी तो हमने उस पर रांझनपाड़ा स्टेशन दिखाया था, उस टाइम उतना डेवलप नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं बना हुआ था। अभी देखिए यहाँ से पूरा कम्प्लीटली आप देख रहे हैं ये गेट में जो मेन एंट्रेंस गेट है वो ये है, इसके बाद आगे रांझनपाड़ा स्टेशन है जो अंदर का पूरा स्पेस काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है और काफ़ी बड़ा एरिया अंदर का स्पेस दिया हुआ है, पार्किंग से लेकर सारी चीज़ें अंदर है और काफ़ी बड़ा एंट्रेंस दोनों साइड से दिया हुआ है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ, हम आपको दिखाते हैं रांझनपाड़ा स्टेशन और फिर उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे प्लॉट की तरफ। फ्रेंड्स ये है रांझनपाड़ा स्टेशन, आप देख रहे हैं ये रांझनपाड़ा स्टेशन, इसके पहले जब हमने वीडियो आपको दिखाई थी
तो वो वीडियो में आपने देखा होगा ये सब कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब देख रहे हैं आप काफ़ी तेज़ी के साथ में एरिया डेवलप हो रहा है, स्टेशन का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो सामने जो है रंजनपाड़ा रेलवे स्टेशन है, ये जो मेरे सामने है ये जो बुकिंग ये है ये बुकिंग ऑफिस है, अभी हम आपको इसको सामने से दिखा देंगे। आप देख रहे हैं दो सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, एक इस साइड से है यहाँ से जाने के लिए, ये बगल में जो दिया जा रहा है यहाँ से एलिवेटर बनेगा। आप देख रहे हैं ये सीढ़ियों का काम चल रहा है काफ़ी बड़े पैमाने पर, काफ़ी बड़े साइज़ का जो है ये स्टेशन है जो कनेक्ट होगा आपको नेरुल से। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है रेलवे स्टेशन, अभी हम आपको ले चल रहे हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं आगे का एरिया। ये जो है फ्रेंड्स ये है टिकट बुकिंग ऑफिस रंजनपाड़ा स्टेशन का, आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जो है टिकट बुकिंग काउंटर ही बनाया गया है। और दूसरी सीढ़ी जो है यहाँ पे बन रही है, देखिए यहाँ से एंट्रेंस की जो सीढ़ी है यहाँ पे एक बनाई जा रही है, आपको हमने पहले दिखाया था, ये देखिए दूसरी है। यहाँ पे काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ में, एलिवेटर से लेकर और सीढ़ी तक का काम। तो ये है रंजनपाड़ा स्टेशन, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा करीब में जो है वो प्लॉट है जो प्लॉट हम आपको दिखाने वाले हैं। और अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ और आपको लेके चल के दिखाते हैं कंप्लीट प्लॉट। तो देखिए अब स्टेशन देख रहे हैं आप कितना बड़े साइज़ का स्टेशन बना हुआ है, आप इसको देख रहे हैं। तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करिएगा, यहाँ पे जो प्लॉट है अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें बुक करिएगा, आपको आने वाले टाइम काफ़ी अच्छा रिटर्न आने वाला है इसमें। अब देखिए ये रंजनपाड़ा स्टेशन हम आपको दिखाए हुए, अब चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं आगे का वीडियो और आगे का प्लॉट। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं ये रंजनपाड़ा स्टेशन है, ये रंजनपाड़ा स्टेशन के हम बैक साइड में खड़े हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो प्लॉटिंग हो रही है, सिडको प्लॉटिंग कर रहा है, ये सिडको जो है कंप्लीट यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा है। ये एरिया हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको आने वाले टाइम का जो है एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले टाइम आपके प्लॉट की कीमत क्या होगी और इस लोकेशन की वैल्यू क्या होगी। और यहीं से काफ़ी ज़्यादा करीब में जो है यहाँ पर बन रहा है आईटी हब, जो अभी हम थोड़ी देर में आपको ले चल के दिखाने वाले हैं। देखिए ये मेन रोड जो देख रहे हैं आप हाईवे, यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा करीब में जो है ये सिडको डेवलप कर रहा है एरिया और रंजनपाड़ा स्टेशन के जस्ट बैक साइड में। ये लोकेशन देखिए यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आने वाले टाइम में क्या होने वाली है। तो आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं आईटी हब, और ये देखिए ये जो है ये आईटी हब बन रहा है, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा आईटी हब बन रहा है इस लोकेशन पर रंजनपाड़ा स्टेशन से बैक साइड में। ये जो मेन हाईवे देख रहे हैं ये हाईवे टच एरिया है और यहाँ पर जो है ये आईटी हब बन रहा है, इसका जो है इस सारी चीज़ों का सारा डेवलपमेंट का जो है इम्पैक्ट जो है जो इसका बेनिफिट है आपके प्रॉपर्टी को आने वाला है, जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नियर बाई में जो है आपकी प्रॉपर्टी है जो स्टार्ट हो रही है 2 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए पर घंटा पे। फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं प्लॉट सिटी प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स के साइट पर, जो कि साइट ऑफिस देख रहे हैं। अभी हम आपको साइट ऑफिस भी दिखा देते हैं, ये देखिए जो मेन रोड है जहाँ से हम आए हुए हैं इस साइड से, और ये देखिए यहाँ पे जो है ये इनका साइट ऑफिस है, यहाँ पे दो बोर्ड लगा के दिए जा रहे हैं, एक जो बोर्ड है यहाँ पे देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, दूसरा बोर्ड जो है देखिए सामने दिख रहा है हमें, देखिए बोर्ड पे आप दिखा देते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप सिटी प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है स्टार्टिंग प्राइस जो हो रहा है वो 2 लाख रुपए से हो रहा है, इन्हें प्लॉट आपको दिए जा रहे हैं और बुकिंग जो दे रहे हैं ये 11,000 रुपए से स्टार्टिंग जो है आपको 11,000 से बुकिंग दे रहे हैं। साइट के जो है ऑफिस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इनका नंबर, ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल और साइट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। अभी ये जो है इनकी साइट ऑफिस है, इन्होंने क्या किया है अभी एक गुंठे का जो है एक एग्जैक्टली सैंपल प्लॉट बना के रखा हुआ है, वो सैंपल प्लॉट हम आपको दिखा देते हैं कि ये साइज का प्लॉट होगा और किस तरह से मार्किंग करके ये देने वाले हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो पोल्स लगे हुए हैं, ये देखिए ये एक पोल है, वो दूसरा पोल वहाँ पे है, तीसरा ये और चौथा पोल ये, इस तरह से ये पोल की मार्किंग करके जो है आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं एग्जांपल के तौर पे कि इसी तरह से ये मार्किंग करके यहाँ पे ये गुंठा, एक गुंठे का जो प्लॉट होता है वो इस साइज़ का प्लॉट होता है, जैसे आप देख रहे हैं इसको, इस साइज़ के प्लॉट को एक गुंठे के आपको इस तरह से मार्किंग करके देते हैं। और यहाँ पे देखिए इनका जो है ये दूसरा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ये क्लाइंट जो इनके कस्टमर्स ने जो इनसे परचेस किया हुआ है ज़मीन को, उनकी इमेजेस लगी हुई हैं, इसके बाद में किसने कितने परचेस किया हुआ है उनके सारे यहाँ पे देखिए नाम लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं ये इस तरह के नाम लिख के दिए हुए हैं। ये जो हैं इसमें देखिए इनके ऑनर की भी इमेजेस लगी हुई हैं फोटोज़ में, अब देखिए। और इसके बाद जो है प्लॉट जो आप ख़रीदते हैं प्लॉट के ऊपर में जो है नाम लिख के दिया जाता है क्लाइंट का, कस्टमर्स का, कि इसमें किस तरह से जो है जिस कस्टमर का भी
प्लॉट है उसका मार्किंग करके वहाँ पे उसके नाम का बोर्ड लगा के ये देते हैं उसके प्लॉट के ऊपर में। और फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं यहाँ से प्लॉट्स जो दिखाई देगा आपको, इस सामने का जो लोकेशन है ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिलने वाला है इस साइड में। और उसी के आगे जस्ट देख रहे हैं तो द्रोणागिरी सिटी आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखिए ये द्रोणागिरी सिटी है, काफ़ी डेवलप हो चुका एरिया है द्रोणागिरी सिटी का। ये सिडको अंडरटेकन है, यहाँ पे जो है अभी जो द्रोणागिरी सिटी में प्रेजेंट टाइम का जो रेट चल रहा है 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए गुंठा का रेट चल रहा है जो प्रेजेंट टाइम में जो है, जो अभी का रेट यहाँ पे है जो हम आपको प्लॉट दिखा रहे हैं, ये प्लॉट का रेट आज 2 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 2 लाख से लेकर 7 लाख तक का प्लॉट है। इसी तरह से वहाँ का भी रेट था, प्रेजेंट टाइम में जो है आपको 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए गुंठा के रेट से वहाँ पे आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देर मत कीजिए, यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है तो आप आके इधर बुकिंग कीजिए और अपने सपनों का जो है प्लॉट परचेस कीजिए। अगर आपको ये प्लॉट और ये वीडियो पसंद आ रही है, इसमें जो दिया हुआ जानकारी है ये प्लॉट पसंद आ रहा है, तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे नंबर पे आप आके कॉन्टेक्ट कीजिए और यहाँ पे आके विजिट कीजिए। और आने के बाद में आपको पसंद आता है प्लॉट तो आप यहाँ पे परचेस भी कर सकते हैं आसानी के साथ में। ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी सहूलत के साथ में आपको जो है ये प्लॉट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए विद प्लेटफॉर्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।